कोटपुतली में आज भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन और अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन कोटपुतली विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल ने किया। कार्यक्रम में जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कैलाश ताखड़ और विराट नगर विधानसभा प्रभारी कुलदीप धनगढ़ ने शिरकत की। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अतिथियों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जिला प्रमुख रमा चोपड़ा ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट को लेकर यह आयोजन किया गया जिससे मिशन 2023 में कामयाबी मिल सके। रमा चोपड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री अब तक किसकी सलाह ले रहे थे कि अब उनको सलाहकार की जरूरत पड़ी। वहीं चोपड़ा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार केवल सरकार बचाने का विस्तार है। वहीं रमा ने कहा कि भाजपा में महिलाओं को जो सम्मान मिलता है वो किसी अन्य पार्टी में नहीं। चिन्ह प्रदान कर रहे हैं मुकेश जी जिला प्रमुख जी को। समारोह किया गया है वो एक ऐसा है कि इसमें ना कोई किसी को छोटा बड़ा करके यहाँ का सभी को सम्मान, आपसे आग्रह मंच पर सम्मान समारोह किया, हमारे सभी सम्माननीय अतिथियों को मुकेश जी गोयल ने जो सम्मान समारोह किया है बहुत ही अच्छे तरीके से किया। उन्होंने सभी को सम्मान दिया है, छोटा बड़ा नहीं रखते हुए, हार जीत नहीं रखते हुए सबको सम्मान दिया है सभी क्षेत्रवासियों। देखो मंत्रिमंडल जो गठन हुआ है उसमें तो ये हुआ है कि वो तो मुंह देख के तिलक कर रहे हैं, एक तरह से अपनी सरकार बचाने का वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जैसे उन्हें जो सलाहकार रखे वो सलाहकार अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को सलाह देंगे तो पहले इतने दिन सलाह कौन दे रहा था उनको, तो ये तो सिर्फ उनको दिखाने के लिए, उनको खुशी करने के लिए कि सरकार बनी रहे इसके लिए उनको सलाहकारों को इनको दिया गया है, पद देके उनको संतुष्टि दी गई है। अभी 2023 में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में किस प्रकार से बूथ मैनेजमेंट का काम रहेगा, क्योंकि ये कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह है।